Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let us start our lab number 2 having the title Determination of Infiltration Rate by Double Ring Infiltrometer. Before going towards the instrument Double Ring Infiltrometer, we have to discuss some theory and basic terminologies relating to this experiment. First of all, what is infiltration? How you can define the infiltration? Infiltration is the movement of water from surface of soil downward to subsurface is called as infiltration. And what is the infiltration rate? The rate at which the water infiltrates into the soil surface, that is called as infiltration rate. Soil ki satah se jo pani नीचे की तरफ मूव करता है उसको हम इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं. इसी तरह से मिलती जुलती तीन चार टर्मिनोलॉजीज और भी हैं, जैसे परकोलेशन है. तो यही वाटर जब सॉइल के अंदर इन्फिल्ट्रेट करता है, इसी को फर्दर जब ये नीचे को मूव करता है रूट जोन से नीचे, तो उसी वाटर को हम कहते हैं परकोलेशन. मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट जोन टू डाउनवर्ड इज कॉल्ड एज परकोलेशन. और फर्दर जब नीचे जाता है वाटर टेबल से, जब ये मिलता है जाके उस लेवल पे जाके, इसी मूवमेंट ऑफ वाटर को हम बोलते हैं डीप परकोलेशन. देर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन एंड डीप परकोलेशन. You can understand it very well from here. ये soil surface है. जैसे ही water हमने irrigation apply किया, irrigation water apply किया field में, तो जैसे ही सतह से नीचे जाएगा तो उस water को हम movement of water को कहते हैं infiltration. और यहाँ इसकी root zone है. जब root zone से नीचे ये further move करेगा, that is called as percolation. यहाँ वाटर टेबल है, तो इस लेवल पे आकर जब ये नीचे डाउनवर्ड मूव करेगा, दैट इज कॉल्ड एज डीप परकोलेशन. और इसी कॉन्सेप्ट को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल यहाँ पर वाटर हमें रिसीव हुआ, ये सरफेस है. और सरफेस से जब वाटर नीचे जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फिल्ट्रेशन. और फर्दर यहाँ रूट जोन है, ये यहाँ से जब नीचे मूव करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज परकोलेशन. और जब इससे नीचे यहाँ मूव करेगा, ये रूट जोन से निकलकर फर्दर नीचे, दैट इज़ कॉल्ड एज डीप परकोलेशन. और इसी से मिलती जुलती एक टर्मिनोलॉजी है सीपेज. सीपेज ये डाउनवर्ड नहीं है, ये देखें सीपेज जो है वो साइडों से जो मूव करता है पानी. सीपेज का मतलब होता है रसना, यानी सिमना पानी का. इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द लिटरल मूवमेंट ऑफ वाटर अंडर द सॉइल इज कॉल्ड एज सीपेज. या फिर इसकी एक और बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम चैनल पेरीफरी इज कॉल्ड एज सीपेज. आपने पिछली पिक्चर में ये देखा होगा, ये फर्ज करें हमारे पास वाटर चैनल है ये वाला, तो इसकी साइडों से जो पानी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, साइडों से निकल रहा है, रिस रहा है, उसको हम बोलते हैं सीपेज. और जो वाटर बॉडी के ऊपर सरफेस से जो ऊपर एटमॉस्फेयर में मूव करता है, दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन. ये तीन चार टर्मिनोलॉजीज हैं. इसी से मिलती जुलती एक और है वाटर इनटेक. वाटर इनटेक टर्मिनोलॉजी भी जो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर है इसी में यूज होती है, लेकिन इसमें फरोज होती हैं, खालियां बनी होती हैं. जैसे फील्ड के अंदर कभी आपने देखा हो खालियां, तो वहाँ ये वाटर इनटेक की टर्म यूज़ होती है. और उसके यूनिट होते हैं, इस इन्फिल्ट्रेशन के यूनिट वेलोसिटी के यूनिट हैं मीटर पर सेकंड. और
मीटर पर डे, मिलीमीटर पर आवर, इस तरह करके इसके यूनिट्स हैं। और वाटर इनटेक के यूनिट हैं मीटर क्यूब ओवर मिनट डिवाइडेड बाय मीटर। यहाँ मीटर शो करता है लेंथ ऑफ फ्लो को। और फर्दर अगर डिटेल में जाएं तो फिर इसी से मिलती जुलती हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है और परमीएबिलिटी है। ये फिर थोड़ा सा बियॉन्ड दिस लैब हो जाएगा। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के यूनिट भी यही हैं मीटर पर डे, लेकिन वो और सेंस में थोड़ा सा आ जाता है। और इसके आगे फिर परमीएबिलिटी। तो फिर एक इसमें आता है व्हाट इज बेसिक इनफिल्ट्रेशन रेट। बेसिक इनफिल्ट्रेशन रेट जब आप ये पानी नीचे डाउनवर्ड मूव करता है तो पहले तो इनफिल्ट्रेशन होती है ज़्यादा। एज द टाइम इंक्रीजेज इनफिल्ट्रेशन रेट डिक्रीजेज। और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर इनफिल्ट्रेशन रेट कांस्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ ये देखें, एज द टाइम इंक्रीजेज दिस इनफिल्ट्रेशन डिक्रीजेज। और यहाँ ये 80 मिनट पर आकर, सॉरी 80 से कुछ पहले है ये 75 मिनट पर, फिर ये आगे ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और इस पॉइंट पर जो कांस्टेंट रेट हो गया है इन्फिल्ट्रेशन का, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक इन्फिल्ट्रेशन रेट। यू कैन डिफाइन इट एज द रेट एट विच इन्फिल्ट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड एज बेसिक इन्फिल्ट्रेशन रेट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट इन्फिल्ट्रेशन रेट एंड इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सॉइल। इसी तरह फिर है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। द मैक्सिमम रेट एट विच द सॉइल इन एनी गिवन कंडीशन इज कैपेबल ऑफ अब्सॉर्बिंग वाटर इज कॉल्ड एज इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। यानी कि जो मैक्सिमम रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है उसको हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। अब इन्फिल्ट्रेशन को हमने मेजर करना है, इसके लिए इन्फिल्ट्रोमीटर यूज होता है, परमीएमीटर्स यूज होते हैं एंड रेनफॉल सिमुलेटर्स। दीज आर ऑल डिवाइसेस यूज टू मेजर द इन्फिल्ट्रेशन रेट। तो हमारे सिर्फ यहाँ पर एक ही इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड एज डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर। वन थिंग विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट इट इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। फॉर एग्जाम्पल इन सैंडी सॉइल इन्फिल्ट्रेशन रेट इज मोर, सबसे ज़्यादा सैंड में होता है, और उससे कम सैंडी लोम में, उससे कम लोम, उससे कम क्ले लोम, और उस सबसे कम इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो क्ले में होता है। और ये क्यों है ऐसा, सबसे ज़्यादा सैंड में क्यों है और सबसे कम क्ले में क्यों है? थिंक ओवर इट, दैट्स योर असाइनमेंट। यू कैन सर्च आल्सो इन गूगल, इट्स आंसर इज़ वेरी सिंपल, यू हैव टू पॉन्डर अपॉन इट। Let us move towards the double ring infiltrometer. ये है आपका instrument, double ring infiltrometer. इसमें एक inner ring है, एक outer ring है. Inner ring का dia 15 cm है और outer ring का 30 cm है. और outer ring में पहले पानी जो है वो add किया जाता है और फिर inner ring में, inner ring में आपने water की downward movement को measure करना है। तो इसमें जो आउटर रिंग के अंदर पानी फिल करने का मकसद क्या है? आउटर रिंग में पानी इसलिए फिल किया जाता है कि इससे जो इनर रिंग का वाटर है वो उसकी लेटरल मूवमेंट नहीं होती, जस्ट हमने मेजर करनी है डाउनवर्ड मूवमेंट। तो वो कॉम्प्लेक्स केस बन जाएगा अगर वो लेटरल मूवमेंट भी होगी और डाउनवर्ड मूवमेंट भी, यानी एक ही टाइम में इन्फिल्ट्रेशन भी हो रही है और सीपेज भी हो रही है। तो हम सिर्फ इनफिल्ट्रेशन मेजर करेंगे कि पानी डाउनवर्ड कितना किस हिसाब से मूव कर रहा है, ना कि हमने सीपेज करनी है। सीपेज को कंट्रोल करने के लिए ये आउटर रिंग के अंदर वाटर फिल किया जाता है। और इनर रिंग में जब पानी एक ख़ास लेवल पर, एक पॉइंट तक जिसको मार कर लिया जाता है, पानी ऐड किया तो फिर उस पर टाइम नोट कर लिया, उस वक्त स्टॉप वॉच ऑन कर ली, फिर एक ख़ास लेवल तक जब पानी नीचे चला जाता है कुछ देर बाद, मसलन 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद, जो भी आप टाइम ऑफ इंटरवल रखें, तो फिर आपने मूव मेजर करना है उस कितने मिलीमीटर पानी नीचे मूव किया है और टाइम नोट कर लेना है। फिर अगले बिलफर्ज आपने 10 मिनट का इंटरवल रखा है, 10 मिनट
तक आपने कितना जो है वो पानी नीचे मूव किया, फिर अगले 10 मिनट में, फिर अगले 10 मिनट में, इसी तरह एक वक्त ये शुरू वाले 10 मिनट में जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है, जो इन्फिल्ट्रेशन मिलीमीटर्स है, ये ज़्यादा होगा, फिर अगले 10 मिनट में उससे कम होगा, और अगले 10 मिनट में उससे कम, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा, एक टाइम आएगा कि ये फिर बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, तब आपने ये एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर देना। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज बेसिक इन्फिल्ट्रेशन रेट, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि उस पॉइंट पर जहाँ पर रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है उसको बेसिक इन्फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल एंड दीज आर द रीडिंग्स, ये किसी एक्सपेरिमेंट की विल फॉरज रीडिंग्स ली गई हैं। ये देखें कि पहले टाइम स्टार्ट हुआ 0 से, तो वाटर लेवल विल फॉरज 100 मिलीमीटर तक था, पानी का जो लेवल है वो हमने किसी वो पैमाने से स्केल से मेजर किया तो वो 100 मिलीमीटर, फिर 2 मिनट के बाद मेजर किया तो वाटर लेवल आ गया 92 पर, तो इन्फिल्ट्रेशन कितनी हुई 8 मिलीमीटर, यानी कि दोनों को माइनस करेंगे और तो हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन आ जाएगी। फिर अगले 3 मिनट के बाद मेजर किया तो अब वाटर लेवल कितना था 85, तो 100 माइनस 85 7। फिर अगले 5 मिनट के बाद मेजर किया तो वाटर लेवल फर्दर डिक्रीज हो गया 75, और 100 माइनस 75 10। इसकी समझ आ रही है, 100 टोटल था, यानी कि नीचे जो ज़मीन की का लेवल है उससे लेकर पानी का लेवल 100 है, और वो नीचे मूव किया 2 मिनट के बाद तो 92 हो गया, तो हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन कितनी आई 8 माइनस करके। आगे फर्दर चलते जाएं, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, और ये फिर 10 10 और 20 20 मिनट तक ये इन्फिल्ट्रेशन ये देखें कम हो रही है, और ये वाटर लेवल है, ये एक कॉलम है कम्युलेटिव टाइम, यानी कि टोटल टाइम जो है पहले 0 था, फिर 2 मिनट, फिर अगले 3 मिनट, फिर अगले 5 मिनट, लेकिन अगर सब को जमा करते जाएं 2 3 5 5 और 5 10 10 और 10 20 20 और 10 30 30 और 10 40, ये इस तरह कम्युलेटिव टाइम भी कैलकुलेट होता जाएगा। ये आपको ग्राफ बनाने में इसकी ज़रूरत पेश आएगी। फिर आ जाए इन्फिल्ट्रेशन रेट पर, ये कैसे कैलकुलेट किया है, ये इन्फिल्ट्रेशन है और ये हमारे पास टाइम है, तो 8 × 2 = 4 7 / 3, तो ये आ गया 10 / 5 = 17 / 10, इस तरह हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन रेट आ गया। अब आगे कम्युलेटिव इन्फिल्ट्रेशन, ये हमने कैसे कैलकुलेट की, सबसे पहले हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन कितनी है, ये वाली 8, ये 8, फिर उसके बाद अगली कितनी है 7, 8 और 7 15, फिर नेक्स्ट 15 और 10 25, 25 और 17 42, इस तरह से ये कम्युलेटिव इन्फिल्ट्रेशन हमारे पास आ गई। फिर आपने ये ग्राफ बनाना है इसका, ये देखें कम्युलेटिव टाइम वर्सेस इन्फिल्ट्रेशन रेट, फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया तो इन्फिल्ट्रेशन रेट इतना था, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज किया तो इन्फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हुआ, यहाँ तक एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ जब ये बिस कॉन्स्टेंट हो गया इन्फिल्ट्रेशन रेट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज बेसिक इन्फिल्ट्रेशन। फर्दर ये इसकी बेस्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं हॉर्टन इक्वेशन से। हमारे पास हॉर्टन इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी इंटू ई की पावर माइनस के ए, तो एफ यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन रेट है, एफ सी जो है ये हमारे पास बेसिक इन्फिल्ट्रेशन रेट है, यानी कांस्टेंट, जहाँ पर आकर हमारा रेट आगे कांस्टेंट, ये लाइन आगे सीधी ऐसे ही मूव करेगी, लिहाजा इस यहाँ पर आकर आप अपना एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर देंगे।
तो एफ नॉट जो है ये है स्टार्ट एटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, और एफ सी ये हो गया, और के क्या है कि कांस्टेंट है, इसको कि इज अ कांस्टेंट डिपेंडिंग प्राइमरली अपॉन सॉइल एंड वेजिटेशन, ये सॉइल और वेजिटेशन की टाइप पर डिपेंड करता है, और इसको कैलकुलेट किया जा सकता है एफ नॉट माइनस एफ सी ओवर कैपिटल एफ सी। अब कैपिटल एफ सी क्या है, ये वाला जो शेडेड एरिया है हमारे पास, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ से इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ सी। तो यूँ के कैलकुलेट हो जाएगा, और के की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। और ए क्या है इसमें, ए इज कॉन्स्टेंट, सॉरी ए नहीं के, के की डेफिनेशन ये है एफ नॉट माइनस एफ सी डिवाइड बाय कैपिटल एफ सी, और टी आपके पास टाइम है, तो इससे ये हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन जो कैलकुलेट की जा सकती है। और भी इसके मेथड हैं, कॉस्ट या कॉव इक्वेशन है, उसके ज़रिए भी मॉडल है एक, उसके ज़रिए भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल और थ्योरी है, इसके पीछे इसका मकसद क्या है, हमने जब इरिगेशन वाटर फील्ड में अप्लाई करना है तो बिलफरज उस फील्ड को की जो लेंथ है वो फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर है, सपोज कर लें। तो जब हमने एक साइड से इरिगेशन वाटर अप्लाई किया, वो 50 मीटर तक जाकर पानी इन्फिल्ट्रेट हो जाए, तो आगे वाला 50 मीटर उसका क्या बनेगा। तो हमने जब इरिगेशन वाटर को रिसर्च करनी है किसी क्रॉप पर, तो हमें पता होना चाहिए कि इस सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन रेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पर सैंडी सॉइल ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली फ़ौरन इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा और एंड तक मूव नहीं करेगा। तो हमारे पास जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी है या वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी है वो बहुत कम होगी। तो हमने हमारी कोशिश है कि हमारी एफिशिएंसी जो है वो 100% तो इम्पॉसिबल है, लेकिन 95% तक ऑलमोस्ट चली जाए। उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर वहाँ किसी क्रॉप पर रिसर्च करनी है, तो हम उसमें क्ले मिक्स करके देखेंगे, क्ले से अगर फिर उसका क्या इन्फिल्ट्रेशन रेट निकलता है। डेफिनेटली क्ले का इन्फिल्ट्रेशन रेट मिक्स करने से वो इम्पैक्ट होगा और इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, और जैसे ही इन्फिल्ट्रेशन पानी यानी कि ज़मीन में जज़ब कम होगा, आगे की तरफ मूव ज़्यादा होगा। जब एंड तक किनारे तक जब पानी पहुंचेगा, तो इसका मतलब है पूरे खेत के अंदर जो है वो पानी पहुंचा है, और पानी से ही इरिगेशन वाटर से ही डेफिनेटली क्रॉप की ग्रोथ है। और अगर एंड तक नहीं पहुंचेगा, तो इसका मतलब ये है कि जो आखिरी पोर्शन है हमारे फील्ड का, वहाँ पर क्रॉप की जो यील्ड है वो नहीं होगी। इस सारी कहानी का, किस्से का मकसद सिर्फ इतना ही है, वी हैव टू मैक्सिमाइज आवर आउटपुट एंड इन्हांस इट्स क्वालिटी। इरिगेशन का मकसद ही ये है कि पानी अगर अप्लाई करेंगे तो क्रॉप की ग्रोथ होगी, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इसी पे डिपेंड करती है। पूरी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का भी यही मकसद है कि हमने अपने आउटपुट जो हैं, या अगर फर्दर इसको जनरलाइज करें, तो इसका मकसद ये है कि हमने अपनी जो मैक्सिमम बेनिफिट हमने हासिल करना है उससे, और मिनिमम इनपुट हो और मैक्सिमम आउटपुट हो, हमारी एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा हो सके उसको हमने देखना है। तो इसमें यही है कि हमने अपनी कन्वेंस एफिशिएंसी इम्प्रूव करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी जो कि डिपेंड करती है इनफिल्ट्रेशन रेट पर। तो इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सॉइल एंड इंटेंसिटी ऑफ वाटर अप्लाइड, एंड ये वहाँ पर जो क्रॉप है उस पर भी डिपेंड करता है ये इनफिल्ट्रेशन रेट। और ऑलरेडी उसमें जो सॉइल वहाँ पर मौजूद है, उसमें ऑलरेडी कितना मॉइस्चर है,
उसमें कितने परसेंट पानी मौजूद है इस पर भी डिपेंड करता है। ये खुशक सॉइल होगी तो डेफिनेटली इन्फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा होगा, अगर ऑलरेडी वेट सॉइल है तो इन्फिल्ट्रेशन रेट कम होगा। दैट्स ऑल अबाउट टू डेज पर लैब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।